कन्नौज में नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी नवाब सिंह यादव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद नवाब सिंह यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई बढ़ा दी गई है। अब शनिवार यानी कल अदालत जमानत पर सुनवाई करेगी। वहीं डीएनए टेस्ट को लेकर वीसी के जरिए पूर्व प्रमुख की सहमति भी ली गई है। आज ही डॉक्टरों की टीम ने डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भी लिया। खबरों के मुताबिक रेप के आरोपी नवाब सिंह यादव के अधिवक्ता ने कहा कि नवाब सिंह निर्दोष हैं और पुलिस ने उन्हें फंसाया है। बता दें कि मामले में नवाब सिंह यादव पर पॉस्को एक्ट और क्राइम सीन से छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगा है। अब रेप की धारा बढ़ाने और जमानत पर शनिवार को सुनवाई होगी। बता दें कि नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में नवाब सिंह यादव को 12 अगस्त को जेल भेजा गया था। नवाब सिंह यादव को सपा का नेता बताया जा रहा था, लेकिन बाद में जब मामला ज्यादा बढ़ा तो सपा ने सफाई देते हुए कहा कि पार्टी ने उसको 5 साल पहले ही निकाल दिया था। वहीं बाद में भाजपा के नेताओं के साथ भी नवाब सिंह यादव की फोटो वायरल हुई थी। इस मामले में नवाब सिंह के वकील ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। विवेचक के द्वारा मामले में जो है रेप की धारा की बढ़ोतरी के लिए न्यायालय के समक्ष अपना जो है प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था और डीएनए का सैंपल लेने के लिए, तो उस पर तो जो उन्होंने धारा बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया उस पर हमने आपत्ति के लिए समय मांगा है न्यायालय से, तो न्यायालय ने हमको एक दिन का समय दिया है, उस पर कल सुनवाई होगी। और जो डीएनए का सैंपल है उस पर जो है डीएनए का सैंपल जो है आप लोगों को जानकारी भी होगी, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि बिना संबंधित व्यक्ति की सहमति के नहीं लिया जा सकता है। तो जरिए बीसी उनको कनेक्ट किया गया था नवाब सिंह को, और उनसे न्यायालय ने भी पूछा, हमने भी पूछा कि क्या आप मानसिक रूप से आज डीएनए के लिए सैंपल देने को तैयार हैं, तो उन्होंने उसको स्वीकार किया और कहा कि मेरा डीएनए करवा दिया जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि आरोपी अपना डीएनए कराने को तैयार है तो ये साबित करता है कि वो कहीं कहीं निर्दोष है। ये जो कार्रवाई या जो कहानी बनाई जा रही है ये सब किसी न किसी प्रकार से प्रायोजित है और उनको फंसाने के लिए बनाई जा रही है। क्या कहा न्यायालय में, जैसे सुनवाई हो रही है, में बताया नहीं आपको कि उन्होंने जो प्रार्थना पत्र दिया उससे मैंने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा है, तो न्यायालय ने हमारी बात को माना और एक दिन का हमें समय दिया है आपत्ति दाखिल करने। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल ही सवाल है। पूरी कहानी जो है वो संदेह के घेरे में है। 11/8/24 रात 11 बजे की घटना बताई जा रही है। पीड़िता जो मैंने आप लोगों के माध्यम से सुना जाना सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या समाचार पत्रों के माध्यम से, तो उसके आधार पर 11/8/24 की रात 11 बजे की घटना बताई गई है। पीड़िता ने 112 नंबर डायल किया अपने बुआ के मोबाइल से, तो उस पर उसको पुलिस सहायता में पहुंची और थाना की भी पुलिस, संबंधित थाना की भी पुलिस मौके पर पहुंच गई। तो यहाँ सबसे मुख्य सवाल ये उठता है कि मौके पर जब आरोपी कथित पीड़िता और उसकी बुआ तीन लोग थे, तो वीडियो किसने बनाई, वो चौथा कौन व्यक्ति था, चौथा व्यक्ति कौन है जो वीडियो बना रहा था, एक तो यहाँ पे संदेह उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। दूसरा ये है कि जब घटना के समय ही रात में ही 11 बजे ही पुलिस पहुंच गई, पीड़िता को अपने कब्जे में ले लिया, आरोपी को भी अपने कब्जे में ले लिया, तो उसकी बुआ को क्यों नहीं कब्जे में लिया गया, बुआ का बयान क्यों नहीं लिया गया पुलिस द्वारा, वो मोबाइल जिससे उसने बात की थी उसको कब्जे में क्यों नहीं लिया गया, जो जिस कमरे में कथित घटना बताई गई वहां फोरेंसिक टीम तुरंत क्यों नहीं बुलाई गई, और अगर फोरेंसिक टीम नहीं पहुंच पा रही थी तो उस कमरे को सील क्यों नहीं किया गया, जो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य होता, और शायद मुझे जो जानकारी है कि आज तक वो कमरा सील नहीं किया गया, क्योंकि ये पुलिस के द्वारा रणनीति बनाई गई है उनको फंसाने के। हाँ, ऐसा भी संभव है, ऐसा भी संभव है। आप पूरा केस देख रहे हैं, अभी तक क्या निकल कर आया? अभी तक जो भी कार्रवाई हो रही है वो पूरी कार्रवाई संदेह के घेरे में, निष्पक्ष नहीं हो रही। पाक्सो एक्ट में जो है उसकी सब अलग से ही विशेष धाराएं, विशेष प्रक्रिया है। पाक्सो में ये स्पष्ट है कि अगर पीड़िता कहीं मिलती है या बालक या बालिका जो भी है, तो जो 18 वर्ष से जिसकी आयु कम है, तो उसको उसके माता पिता या जिस पर वो विश्वास करे उसके ही संरक्षण रखा जाएगा। तो क्या पीड़िता जब रात 11 बजे से सुबह 7 बजे FIR दर्ज करा रही है, इन 8 घंटों में वो रही कहाँ, किसके पास रखी गई, किसके संरक्षण में रही? क्या पीड़िता ने ये कहा कि मैं अपनी बुआ के साथ नहीं रहना चाहती हूँ?
अगर पीड़िता ने ये कह दिया था कि मैं अपनी बुआ के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, तो उसकी बुआ को तुरंत हिरासत में लेना चाहिए था। आखिर क्यों नहीं लिया? अब पुलिस, हमारी कर्तव्यनिष्ठ पुलिस जो है, अब 43 घंटे बाद बुआ की तलाश कर रही है, बुआ फरार हो गई है बता रहे, तो तुरंत क्यों नहीं? जो कार्य एक हमारी महिला कांस्टेबल कर सकती थी, अब उसके लिए 7-8 टीमें गठित की गई हैं, तो ऐसा क्यों किया गया? वकील साहब, एक और सवाल है, क्या नवाब सिंह यादव पहले से ही अपराधी किस्म के गतिविधियों में पाए गए थे, जैसे कि उनके ऊपर और भी मुकदमे? नहीं, मेरी जानकारी में नवाब सिंह यादव के ऊपर जो भी मुकदमे हैं वो कोई आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं है। जितने भी मुकदमे हैं मेरे पास, जो उनकी लिस्टी आई है, आपराधिक इतिहास आया है, उसमें जितने भी मुकदमे हैं वो सारे मुकदमे राजनैतिक क्रियाकलापों के हैं, और उसमें से जहां तक है आधे से ज्यादा मुकदमे जो हैं उनमें वो दोष मुक्ति हो चुकी है। पहले लड़की बोलती है कि हमारे साथ छेड़छाड़ हुई, बाद में पुलिस द्वारा बताया गया था कि वो क्षेत्र की धाराएं। हाँ, आप यही देखिए कि पीड़िता का मेडिकल नहीं हो पाया, चिकित्सीय परीक्षण नहीं, पहले दिन उसने 12-8-24 की रात की घटना है, 12-8-24 को पीड़िता को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक जिला अस्पताल में बैठाया गया, और बार बार उससे उसका चिकित्सीय परीक्षण कराने को कहा गया, वो मना करती रही, मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं तो हम नहीं कराएंगे। पता चला कि उसके दादा दादी आए, उनसे पूछा गया तो उनकी दादी ने भी आप लोगों को यही बताया कि जब कोई घटना नहीं हुई तो चिकित्सीय परीक्षण किस बात का। 13-8-24 को प्रेशर बना के, दबाव बनाकर जो भी होगा वो आप लोगों के सामने आएगा, या आप लोगों ने देख भी लिया होगा, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, उसमें देखा जा रहा है कि उस पीड़िता पर कितना दबाव बनाया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ये दबाव किनके द्वारा बनाया जा रहा है? हाँ, जो दिखाई पड़ रहे हैं उसमें, आप लोगों ने देखे हैं वो वीडियो, हमसे क्यों करवाना चाहते हो? वो वीडियो आप लोगों के पास है, आप लोगों ने देखे भी है, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो पाक्सो में होता है कि पीड़िता का जो बयान पुलिस लेगी, वो जो भी पुलिसकर्मी बयान लेगा वो बिना यूनिफॉर्म के, विदाउट वर्दी के लेगा, और उसका पद जो है वो इंस्पेक्टर रैंक से, सब इंस्पेक्टर रैंक से कम का नहीं होगा। इसमें उसका जो बयान लिया गया है वो एक महिला आरक्षी द्वारा लिया गया है, और पीड़िता जब बयान के लिए ले जाई गई तो उसको इतनी पुलिस घेरी थी, उसमें बड़े अधिकारी भी थे पुलिस के, इस तरह से उसको घेरे थे कि जैसे ये पीड़िता ना होकर कहीं की, मतलब खुद ही अभियुक्त है, सकते हैं कि संदेह के घेरे में ये सब। हाँ, सारी कार्रवाई मेरे हिसाब से पुलिस की सारी कार्रवाई जो है वो संदेह के घेरे में। संपत्ति की भी बात चल रही है, संपत्ति की संपत्ति के लिए मैं उनका मुनीम नहीं हूँ, मैं उसके संबंध में बता नहीं सकता हूँ क्या है उससे।